हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोनी अल्फा 6000 के बारे में। 21 फीचर्स जो डिफरेंट है नॉर्मल डीएसएलआर कैमरा से। पहला फीचर है इस कैमरे के अंदर, वो है आपका फास्ट फोकसिंग। ये कैमरा बहुत तेज फोकस करता है, स्पेशली जब आप लाइव स्ट्रीम पे यूज करते हैं तो ये फास्ट फोकस कर देगा आपके कैमरे से। अगर आप एक फोटोग्राफ से दूसरे फोटोग्राफ में आते हैं ये टाइम नहीं लगाएगा, आप एक के बाद एक इमेज क्लिक कर सकते हैं, यानी कि लैग टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। आप इसमें लगातार फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पहला फीचर जो कि डिफरेंट था इसके अंदर डीएसएलआर से। दूसरा जो एडवांटेज है इस कैमरे के अंदर वो है 4D फोकस टेक्नोलॉजी। आपने शायद सुना भी होगा 4D फोकस के बारे में, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर फीचर बन चुका है अब। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपका सब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है और आपका जो फोकस पॉइंट है इस कैमरे का वो सब्जेक्ट के साथ मूव कर रहा है, यानी कि वो प्रेडिक्ट कर लेगा सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के साथ मूव करेगा। इसे कहते हैं 4D फोकस टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये मदद करेगा आपके सब्जेक्ट को प्रेडिक्ट करने में, स्पेशली ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अच्छा है, या आप जैसे चाइल्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं या डांस फोटोग्राफी कर रहे हैं, वहाँ पे आपका 4D फोकस हेल्प कर देगा। जो तीसरा एडवांटेज है इस कैमरे के अंदर वो है इसके फोकस पॉइंट्स। इसमें 179+20-25 फोकस पॉइंट्स, यानी कि कुल 204 फोकस पॉइंट्स है जो आपकी हेल्प करते हैं फोटोग्राफ क्लिक करने में। फोकस पॉइंट बेसिकली काम कहाँ पे आते हैं, फोकस पॉइंट्स आपके काम आएंगे जब आप सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहेंगे, स्पेशली आप जहाँ फोकस करेंगे कैमरा भी वहीं फोकस करेगा, यानी कि आपको आपको फ्रीली ऑलमोस्ट पूरे स्क्रीन पे फोकस पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको 96% कवरेज एरिया मिल जाएगा फोकस पॉइंट्स के लिए और आप इजीली फोकस कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट में। जो चौथा एडवांटेज है इस कैमरे के अंदर वो है कि आप जैसे फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं व्यू पॉइंटर पे देख के, तो आप क्या है व्यू पॉइंटर पे देख के आपने फोटोग्राफ को क्लिक करा डीएसएलआर के अंदर और आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आपने जब फोटोग्राफ को व्यू पॉइंटर पे देख के क्लिक करा तो आप स्क्रीन पर नहीं देख पाए, धूप की वजह से क्लियर नजर नहीं आता कई बार। तो इस कैमरे में क्या है कि आपने फोटोग्राफ व्यू पॉइंटर पे देख के क्लिक करा, रिजल्ट भी आपको व्यू पॉइंटर पे दिख जाएगा। तो आपको आपको जूम इन जूम आउट करके चेक करना है कि आपका फोटोग्राफ कैसा है, आपको व्यू पॉइंटर पे चेक कर पाएंगे। ये इस कैमरे का फोर्थ एडवांटेज था। पांचवा एडवांटेज जो इस कैमरे का है वो है 1 सेकंड में 11 फोटोग्राफ क्लिक कर सकता है कैमरा, यानी कि 11 फ्रेम्स पर सेकंड मिल जाता है आपको। स्पेशली आपकी जो फोटोग्राफ है वो 11 फोटोग्राफ तो क्लिक कर ही रहा है लेकिन आपका स्क्रीन भी ब्लैकआउट नहीं हो रहा है, यानी कि आप स्क्रीन पे लाइव देख पा रहे हैं कि आप फोटोग्राफ कहाँ की क्लिक कर रहे हैं और किस तरह की फोटोग्राफ आ रही है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे होते हैं कैमरे से, हाई स्पीड पे लगाया अपने कैमरा फोटोग्राफ पे क्लिक कर रहे होते हैं, तो आपका जो कैमरा है वो आवाज़ तो जरूर कर रहा है पर आप स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे कि फोटोग्राफ कहाँ की फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, या फिर आपका कैमरा लैग टाइम दे रहा है कि फोटोग्राफ को क्लिक कर रहे हैं, आपका जो स्क्रीन है वो पीछे है, आपका लैग टाइम ज़्यादा है कैमरे के अंदर, तो ये प्रॉब्लम आती है आपको हाई स्पीड में। वो भी इसमें क्या है कि 1 सेकंड में 11 फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, नॉर्मली जो कैमराज के अंदर वो आप देंगे 5 फ्रेम्स पर सेकंड है, लाइव स्क्रीन पर देखते हैं तो 4 फ्रेम पर सेकंड है, या इस तरह से आप देखेंगे 11 फ्रेम पर सेकंड मिल जाता है आपको इस कैमरे के अंदर। आपको एक छोटा एडवांटेज मिलता है इस कैमरे में, वो ये कि आप जैसे मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं, धूप है बहुत ज़्यादा, आपको स्क्रीन पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि आप वीडियो जो है कैसे बनाएंगे, स्क्रीन पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो इस कैमरे में आप क्या करेंगे, आप व्यू पॉइंटर पे देख के वीडियो बना लेंगे और व्यू पॉइंटर पे ही रिप्ले हो जाएगा वीडियो का। तो क्या होगा कि आप धूप में भी इजीली वीडियो बना लेंगे, यहाँ तक कि आप रिप्ले भी कर पाएंगे। मेक मूवीज थ्रू व्यू पॉइंटर, यू कैन ऑल्सो रिप्ले मूवीज थ्रू द व्यू पॉइंटर। जो 7th एडवांटेज है इस कैमरे का वो ये है कि ये कैमरा चार्ज हो सकता है पावर बैंक से। मान के चलिए कि आप कैमरे से फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं और आपके कैमरे का बैटरी का बैकअप खत्म हो जाता है, इस सिचुएशन पे आप क्या करते हैं, आपके पास एक ही चारा रहता है कि आप बैटरी को निकालते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट में लगाते हैं, उसको चार्ज करते हैं। लेकिन इस कैमरे में क्या होगा, आपके कैमरे का बैटरी का बैकअप खत्म हो रहा था, आपने पावर बैंक निकाला जो आप मोबाइल चार्ज करते हैं जिस पावर बैंक, जहाँ तक कि केबल भी अगर आपका एंड्रॉयड वाला केबल है उसी केबल से आपका कैमरा चार्ज हो जाएगा अगर आप चार्जर भी नहीं लेकर आए, तो ये एडवांटेज मिल जाता है आपको कि आपका कैमरा पावर बैंक से आप चार्ज कर सकते हैं। ये 7वां एडवांटेज था इस कैमरे का कि आप इस कैमरे को पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। इस कैमरे का 8वां एडवांटेज ये है कि आप वाईफाई से फोटोग्राफ तो सेंड कर ही सकते हैं क्योंकि वाईफाई दिया हुआ है कैमरे के अंदर। इसका जूम इन जूम आउट भी आप अपने फोन से यूज कर सकते हैं, यानी कि रिमोट अपने फोन को आप रिमोट बना देंगे, जूम इन जूम आउट आपके फोन से हो जाएगा, क्योंकि इस कैमरे में जो लेंस दिया हुआ है वो मोटर बेस्ड लेंस है, तो जूम इन जूम आउट भी आप अपने फोन से यूज कर सकते हैं। और ये एक 8वां एडवांटेज है इस कैमरे का कि अगर आप वाईफाई से अपने फोन को अटैच कर लेते हैं तो जो लेंस किट लेंस मिल रहा है इस कैमरे के अंदर उससे रिमोट भी बन जाता है। 9वां एडवांटेज बताता हूँ मैं इस कैमरे का आपको कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। नॉर्मली आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी में मिलेगा कैमरा इस प्राइस पॉइंट के अंदर, जिस प्राइस पॉइंट पे ये कैमरा है मान के चलिए लाइक
40 से 45 हज़ार रुपये के अंदर, 40 से 45 हज़ार रुपये के अंदर जो कैमरा मिल रहे हैं आपको, वो कैमरे जो है उन मैग्नीशियम अलॉय बॉडी में नहीं होते हैं। पर ये जो कैमरा है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छा है। इसका जो फ्रंट है वो मैग्नीशियम अलॉय बॉडी से है इसका फ्रंट, तो ये इसका नोवा एडवांटेज मिलता है आपको कि इस कैमरे को आप जो है बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इस कैमरे की। मैं इसके 10वें एडवांटेज की बात आता हूँ कि इस कैमरे में क्या एडवांटेज है। 10वां एडवांटेज, इस कैमरे में जो लेंस दिया हुआ है आपको, किट लेंस जो है वो 1650 है, यानी कि आपका जो वाइड एंगल अच्छा कवर कर लेगा। नॉर्मली क्या होता है कि कैमराज के अंदर आपको जो लेंस मिलता है वो 18 mm होता है, वो 27 mm वाइड एंगल देता है। या फिर अगर आपका कैनन का कैमरा हो तो अगर आपने 18 mm ले रखा है तो वो आपको 28.8 mm वाइड एंगल देगा, यानी कि जितना वाइड एंगल जितना कम होता है वो ज्यादा एरिया कैप्चर करता है। तो इस कैमरे में जो है आपको 24 mm वाइड एंगल दे देगा, क्योंकि ये 16 mm का लेंस दे रहे हैं आपको, तो क्रॉप फैक्टर इसका 1.5 है, यानी कि 24 mm वाइड एंगल दे देगा, यानी कि वाइड एंगल ज्यादा है इस लेंस के अंदर। ये आपको 10वां एडवांटेज मिलता है इस कैमरे के अंदर कि हाई क्वालिटी किट लेंस दे रखा है, 1650 mm का वाइड एंगल जो है लेंस दिया हुआ है आपको इस कैमरे में। तो इस कैमरे के अगर मैं 11वें एडवांटेज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो लेंस दिया हुआ है उसी का एक और एडवांटेज मिल जाता है आपको कि जैसे आप वीडियो बना रहे हैं इस कैमरे से, तो क्योंकि पावर जूम दिया हुआ है आपको, अगर आप वीडियो की जो अगर आप लेंस के नीचे वाले स्क्रोल से जूम इन जूम आउट करते हैं, जो पावर जूम का इस्तेमाल करते हैं वीडियो बनाने के टाइम पे, तो स्मूथली जूम इन होगा और स्मूथली जूम आउट होगा। आप ध्यान से देखिए, सोचेंगे कि मान लीजिए आप मैनुअल लेंस यूज कर रहे हैं तो आपको हाथ में बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, आप जो है इतना स्मूथली जूम इन जूम आउट नहीं होता है, या लेंस इतनी हाई क्वालिटी का नहीं होता है कि आप स्मूथली जूम इन जूम आउट कर पाए। पर इस कैमरे में लेंस दिया हुआ है आपको, उसके नीचे आपको दिया हुआ है एक पावर जूम ऑप्शन, आप एक कंट्रोल दिया हुआ है आपको, आप उसको मूव करेंगे तो जूम इन जूम आउट जो है स्लोली होता है, तो आपका जो वीडियो बना रहे हैं आप तो उसमें आपका वीडियो में स्मूथली जूम इन होगा, स्मूथली जूम आउट होगा। और लेंस काफी कॉम्पैक्ट भी है, मतलब नॉर्मली कैमराज में क्या होता है क्योंकि कैमरा कॉम्पैक्ट बनाया तो लेंस भी कॉम्पैक्ट दिया है आपको, ताकि वो कॉम्पैक्टनेस बनी रहे आपके कैमरे के अंदर। तो ये इस कैमरे का 11वां एडवांटेज था। 11th एडवांटेज इस कैमरे का था कि इसमें पावर जूम जो है वो आप मोटर बेस के थ्रू यूज करते हैं, तो वीडियो में आप स्मूथली जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। यहाँ मैं 12वें एडवांटेज की बात करता हूँ। 12th एडवांटेज जो है इस कैमरे का वो है पेनोरोमा मोड। मान लीजिए आपको फोटो क्लिक करना है 180 डिग्री का, तो नॉर्मली क्या है कि आप इतना फोटोग्राफ क्लिक नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए आप एक एरिया का फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, दूसरे एरिया की फोटोग्राफ, तीसरे एरिया की फोटोग्राफ आप उनको जोड़ेंगे, मतलब ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन ये पैनोरामा मोड जो काफी साल पहले बनाया था सोनी ने, तो अभी भी कैमरा के अंदर मिल जाता है आपको। तो इस कैमरे में पैनोरामा मोड दिया हुआ है आपको, आप वाइड एंगल 180 डिग्री का पूरे फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, आपका पूरा सीनरी आ जाएगा, आपको पूरा वाइड एंगल फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे, आपको वाइड एंगल लेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतने ज्यादा। तो ये सीनरी नॉन मूविंग चीजों के लिए काफी अच्छा है, जैसे आपके सामने ताजमहल है आप फोटोग्राफ क्लिक कराते हैं पूरे 180 डिग्री का, या आपके सामने माउंटेन हिल एरिया है आप फोटोग्राफ क्लिक करने जाते हैं पूरे 180 डिग्री का, तो उसके लिए काम आएगा आपका कि आप इसमें पैनोरामा मोड का यूज करके पूरा वाइड एंगल फोटोग्राफ 180 डिग्री तक का फोटोग्राफ आप क्लिक कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है वाइड जो है पैनोरामा मोड, यहाँ तक कि वेडिंग में भी काम आता है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको अगर मान लीजिए वेडिंग से पहले जो भी सजावट है पूरी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, तो पैनोरामा मोड से आप 180 डिग्री फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे। जो 13th एडवांटेज है इस कैमरे का वो ये है कि मान लीजिए आपको बैकग्राउंड डिफोकस करना है और आप जो है अपर्चर मोड यूज नहीं करना चाहते, आप मैनुअली नहीं करना चाहते, या आप थोड़ा इजी तरीके से करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक इसके एक स्क्रोल बटन है, इसमें स्क्रोल का दिया हुआ है आपको, जो आप सर्कल में मूव होता है राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है आपको, उसके नीचे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मोड पे तो पहला ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड डिफोकस का, उस पर आप लगाएंगे, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप देखेंगे बैकग्राउंड डिफोकस हो रहा है, आप उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखेंगे बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों फोकस हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इस कैमरे के अंदर बैकग्राउंड डिफोकस इजीली कर पाएंगे। 14th एडवांटेज बताता हूँ मैं इस कैमरे के अंदर कि इसमें कलर फिल्टर भी दिए हुए हैं। मान लीजिए आपको इस कैमरे में सिर्फ रेड कलर हाईलाइट करना है और आप चाहते हैं बाकी सारे कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, ब्लू कलर या येलो कलर, इस तरह के इफेक्ट्स आपको इनबिल्ट दिए हुए हैं इस कैमरे के अंदर, तो आप अपने हिसाब से कलर फिल्टर यूज कर सकते हैं इस कैमरे में। इसके अलावा जो फीचर्स है ना वो थोड़े प्रोफेशनल फीचर हैं, लेकिन वो आजकल क्योंकि कोई भी अगर DSLR लेता है तो वो मैनुअल मोड यूज करना चाहता है, तो वो बता देता हूँ आपको। जिसका कैमरे का 15वां फीचर है, 15th फीचर है इस कैमरे का, वो ये है कि इस कैमरे में शटर स्पीड, अपर्चर या फिर ISO अगर आप चेंज कर रहे हैं व्यू फाइंडर में देख के, तो आपको जो है
एक्सपोजर, यानी कि आपको लाइट्स का पहले ही पता लग जाएगा कि फोटोग्राफ आपकी कैसे आने वाली है फोटो लेने से पहले, क्योंकि आपको प्रीव्यू दे देगा, लाइव प्रीव्यू दे देगा आपको, आपको लग रहा है कि आपकी फोटोग्राफ इतनी डार्क नहीं, थोड़ी सी और डार्क होनी चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी फोटोग्राफ थोड़ी सी और ब्राइट होनी चाहिए, तो आप वहाँ मैनुअली कंट्रोल करके इजीली आप देख पाएंगे और फोटोग्राफ को क्लिक कर पाएंगे, आपको लाइव दिख जाएगा कि आपकी फोटोग्राफ कैसे आने वाली है फोटोग्राफ लेने से पहले ही। नॉर्मली DSLR में क्या होता है, जो मिरर होता है वो आपका मिरर जो होता है वो आपको लाइव नहीं दिखाता कि आपका फोटोग्राफ कैसा आने वाला है, प्रीव्यू नहीं देगा आपको, एग्जैक्ट प्रीव्यू नहीं देगा। तो यहाँ पर वो एग्जैक्ट प्रीव्यू मिल जाएगा, तो आपको बार बार फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर नहीं देखना कि आपकी फोटोग्राफ कैसे आई है, रिजल्ट आपका कैसा है, आपको स्क्रीन पर नहीं चेक करना, आपको व्यू पॉइंटर पे आप चेक कर लेंगे और आपका वहीं पे आप ये यहाँ तक क्या फोटोग्राफ क्लिक करके आप रिजल्ट तो देख ही जा पाएंगे व्यू पॉइंटर पे। 16th एडवांटेज बताता हूँ मैं आपको इस कैमरे का, कि इस कैमरे में आपको पीक फोकसिंग दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपको इस कैमरे में फोकस करना है, लेकिन जिस चीज पे फोकस करना है वो बहुत ज्यादा दूर है या फिर वो बहुत ज्यादा छोटी चीज है, जो आप फोकस आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी फोटोग्राफ में फोकस किस तरह से हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस कैमरे में पीक फोकसिंग आप ऑन कर देंगे और आप जब मैनुअली रिंग को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि कलर हाईलाइट कर रहा है। आप रेड, येलो या व्हाइट कलर में से कोई कलर चूज कर सकते हैं, ये कैमरा वही कलर शो करेगा, यहाँ तक कि वो जूम भी कर देगा ताकि आप ध्यान से देख पाए कि आपके कैमरे में फोकस प्रॉपर है कि नहीं है। ये आपको एक और एडवांटेज मिल जाएगा इस कैमरे के अंदर, पीक फोकसिंग इस फीचर का नाम है। आपको फोकस पता लग जाएगा, इजीली फोकस पता लग जाएगा, ये कलर हाईलाइट कर देगा और इसमें जूम इन भी आपकी सपोर्ट करता है। जो 17th एडवांटेज है इस कैमरे के अंदर वो ये है कि इस कैमरे में शटर स्पीड, अपर्चर और ISO जब आप चेंज करते हैं तो आपको लाइव प्रीव्यू देता है लाइव स्क्रीन पे भी। व्यू पॉइंटर पे तो देता ही है क्योंकि इस पर डिजिटल व्यू पॉइंटर लगा हुआ है, लाइव स्क्रीन पे भी देता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कई कैमरास के अंदर शटर स्पीड का आपको जो है लाइव प्रीव्यू तो मिल जाएगा, लेकिन आपको अपर्चर का लाइव प्रीव्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपर्चर का लाइव प्रीव्यू मिल जाएगा, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड का भी आपको लाइव प्रीव्यू मिलेगा इस कैमरा के अंदर। ये इस कैमरे का 17th एडवांटेज है। 18th एडवांटेज इस कैमरे का ये है कि मान लीजिए कि आप व्हाइट बैलेंस को मैन्युअली सिलेक्ट करना चाहते हैं, व्हाइट बैलेंस को है आपने मैच करना है, तो आपने क्या करेंगे कि आप केल्विन वाली व्हाइट बैलेंस के थ्रू आप डिग्री सिलेक्ट करके मैच कर लेंगे। तो नॉर्मली कैमरा के अंदर आपको व्हाइट बैलेंस में केल्विन वैल्यू व्हाइट बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको प्रीसेट व्हाइट बैलेंस मिलते हैं, यानी कि आप मैनुअली व्हाइट बैलेंस नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। 19th एडवांटेज इस कैमरे का ये है कि आपको फोटोग्राफ क्लिक करना है, आपको शटर स्पीड, अपर्चर और ISO जल्दी चेंज करना है, आपको फोटोग्राफ क्लिक करना है। तो होता क्या है कि आपको डायल एक ही दिया हुआ होता है इस प्राइस पॉइंट के कैमराज के अंदर, उसी से आपको शटर स्पीड चेंज करना है, प्लस माइनस वैल्यू का एक AV बटन नाम का बटन होता है, उसको सेलेक्ट करके आपको अपर्चर को घुमाना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कैमरा यूज करना, लेकिन जब आप महंगा कैमरा लेते हैं, थोड़ा मिड लेवल कैमरा लेते हैं, तो वहां पे आपको डिफरेंट डायल मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के कैमरे के अंदर आपको शटर स्पीड, अपर्चर और ISO के डिफरेंट डायल दिए हुए हैं, जिससे कि आपका कैमरा जो है यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। जब आप मैन्युअली यूज करेंगे, आपका शटर स्पीड, अपर्चर, ISO तीनों आप मैन्युअली इजीली चेंज कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट डायल दिए हुए हैं, आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा कि आपने AV बटन दबाया कि नहीं दबाया, आपने शटर स्पीड घुमाया या फिर अपर्चर घुमा दिया। तो ये यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आप इसमें शटर स्पीड, अपर्चर, ISO का डिफरेंट डायल दिया हुआ है। जो 20th एडवांटेज इस कैमरे का ये है कि वो इसी से रिलेटेड चीज है कि इसमें कस्टमाइज बटन दिए हुए हैं आपको। मान लीजिए आपको कोई फीचर ज्यादा पसंद है तो आपने कस्टमाइज बटन 1 और कस्टमाइज बटन 2 दे दो बटन दिए हुए हैं, उन दोनों को आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं और उस फीचर पे आप इजीली C1 या C2 इस तरह के बटन दबा के सीधा उस फीचर पे पहुंच जाएंगे। कस्टमाइज डायल जो है इस प्राइस पॉइंट के कैमरे में मिलना मुश्किल है। इसके अलावा फंक्शन बटन दिए हुए हैं आपको इस कैमरे के अंदर, आप इसके अलावा आपको AEL नाम का ऑटो एक्सपोजर लॉक का बटन है, इसको भी आप चेंज करके इसको आप आई ऑटो फोकस बना सकते हैं, या अपने हिसाब से फीचर चेंज करके अपने यूजर फ्रेंडलीनेस के हिसाब से अपना बेस्ट फीचर उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो 20th फीचर इस कैमरे के अंदर है, जो डिफरेंट है नॉर्मल DSLR के अंदर स्पेशली इस प्राइस पॉइंट की कैमरा से, वो ये है, इस कैमरे के अंदर जो रॉ बफर मेमोरी है, यानी कि अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हैं हाई स्पीड में तो 11 फ्रेम पर सेकंड पर आपने रखा हुआ है इस कैमरे को, तो ये टोटल 22 इमेजेस क्लिक कर देगा। नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट के कैमरा के अंदर आपको रॉ बफर मेमोरी की अगर आप बात करते हैं तो इतना नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी फोटोग्राफ इतनी नहीं क्लिक होगी कि 22 फोटोग्राफ का आपका बफर मेमोरी मिल जाए, वो भी 11 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से, वो भी लाइव स्क्रीन ऑन करके आपका स्क्रीन ब्लैकआउट की तरह इस सिचुएशन। इसके अलावा मैं आता हूँ 22nd फीचर में, क्योंकि ये मिररलेस कैमरा है
तो मिरर बीच में नहीं है, बिटवीन द लेंस ऑफ द कैमरा एंड द सेंसर ऑफ द कैमरा, सेंसर और लेंस के बीच में मिरर नहीं है, तो आपका जो है स्पेस बिटवीन द सेंसर एंड द लेंस इज मिनिमल, तो लाइट ज्यादा मिल रही है सेंसर को। इसके अलावा मिरर भी नहीं है इसलिए भी लाइट ज्यादा मिल रही है सेंसर को, तो आपकी लाइट ज्यादा मिलेगी सेंसर को, तो क्वालिटी आपकी फोटोग्राफ की बेटर हो जाएगी बिकॉज ऑफ मिररलेस टेक्नोलॉजी। अगर आप वीडियो में भी लो लाइट वीडियो बना रहे हैं तो आपका नॉइस बहुत कम आएगा, लाइट ज्यादा मिलेगी सेंसर को, तो क्वालिटी आपकी वीडियो की अच्छी आएगी, थोड़ा लो लाइट में भी आपका कैमरा जो है फोकस कर देगा। तो ये आपका 22nd फीचर था इस कैमरे का। तो ये 22 फीचर्स है इस कैमरे के अंदर जो कि डिफरेंट है नॉर्मल DSLR कैमरा से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।